फाइनली भाई भाई ये भैया के पापा है और हम लोग निकल रहे हैं गेस्ट हाउस है, लद्दाख एको हाउस गेस्ट हाउस है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, बहुत होमली एनवायरनमेंट है, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। और इनके फादर भी यहीं सामने ही रहते ना, अंकल अंकल भी सामने ही रहते हैं। सो एनी टाइम इफ यू आर कमिंग टू लद्दाख गाइज, यू कैन कॉन्टैक्ट, आई विल शेयर द डिटेल्स रिगार्डिंग हिम एंड हिज गेस्ट हाउस इन माई ब्लॉग। चलो बाय बाय, इट्स टाइम टू से बाय बाय टू लेह। गुड मॉर्निंग पब्लिक, सो इट्स फ्राइडे मॉर्निंग एंड सेकेंड वीक ऑफ माई मुंबई लद्दाख एडवेंचर एक्सपीडिशन राइड। सुबह के बज रहे हैं, लेट मी चेक, 8:48। जलपा मॉर्निंग 6 AM की फ्लाइट पकड़ के श्रीनगर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, उसकी ब्रेक जर्नी है, सो शी विल रीच मुंबई बाय टुडे आफ्टरनून। और हम निकल गए हैं मनाली के लिए। लेह सिटी के नज़ारे देख लो, अब हम जा रहे हैं लेह से मनाली। 8:48 दिखा रहा है केलोंग के लिए, और केलोंग है यहाँ से 361 किलोमीटर। सो लेह टू मनाली मेरा पहली बार है, मनाली टू केलोंग मैंने पहले भी किया है, अभी का टारगेट मैंने 368 किलोमीटर सेट किया है। ये रास्ता कंपेयर टू श्रीनगर काफ़ी ख़राब है, लगेज पूरा बांध लिया है, इधर ऑफ रोडिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं कैसा जाता है आगे का रास्ता। हाल फिलहाल तो हम निकल चुके हैं एंड सो फार एवरीथिंग इज गुड। और ये देखो हमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, फुल्ली पैक होकर के निकले हैं भाई, क्योंकि पता ही है आगे रास्ता खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस ऑफ रोडिंग है, बिना रोड है मिट्टी में गाड़ियां चलानी है, और लद्दाख आए तो ये तो करना बनता ही है। तो रोज़ सुबह उठ करके मैं मेरे राइडिंग गियर साफ़ करता हूँ, मिट्टी हटाता हूँ, और रोज़ शाम को उन पर मिट्टी चढ़ जाती है, जूते साफ़ करता हूँ, लेग गार्ड साफ़ करता हूँ, मेरा जैकेट साफ़ करता हूँ, एंड शाम तक उन पर धूल मिट्टी का ढेर जम जाता है वापस। सो चलते हैं आगे, हाईवे पे पहुँच के आप लोगों से फिर कनेक्ट करता हूँ। भाई लोगों यहाँ से सारचू है 249, पांग है 173, और करू है कुछ 20 या 30 किलोमीटर्स के बीच में, और ले हाईवे पे आ गए हम, ले मनाली हाईवे पे। अब यहाँ से सीधे सीधे चलना है, पहला टारगेट करू, फिर पांग, उसके बाद सारचू, और बाद में देखते हैं हम कहीं आगे निकल पाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम पहुंच रहे हैं शे करके जगह है जो लेह से थोड़ा आगे बढ़ती है, वहां पहुंच रहे हैं। शे से निकलेंगे उपशी की तरफ, उपशी से पांग, पांग से मनाली केलोंग होते हुए। सो इस रास्ते पे आपको ज़्यादा पेट्रोल पंप नहीं मिलते हैं, और बीच में ऐसा पैच है जहाँ पेट्रोल पंप ही नहीं है, तो इसलिए ये जो जेरिकेन मैं बॉम्बे से लेके आया हूँ वो इसलिए लेके चल रहा था कि कुछ इन जगहों पे काम आ जाता है, प्लस जिन जगहों पे पेट्रोल सस्ता रहता है मैं वहाँ पे ये जेरिकेन फुल कर लेता हूँ, तो मुझे उससे भी बेनिफिट हो ही जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 रुपये का भी डिफरेंस है पेट्रोल के अंदर कुछ जगहों पे। सो नोवेयर आपको 1 लीटर की एक्स्ट्रा सेविंग हो जाती है, चॉइस है, अगर आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। शे इस जगह से 3 किलोमीटर दूर है,
रुक्षे के बाद में हम निकलेंगे टूवर्ड रुक्षी। अभी हमें 344 किलोमीटर तक इसी पे चलना है। ये है नेशनल हाईवे 3 और अब एंजॉय करो सामने के नज़ारे। पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, वही चेक करना था अपने को। पता चला है आगे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी मिलने वाली है। देखते हैं ऑफ रोडिंग निकालते हुए भी क्या हम आज रात तक मनाली पहुंच पाते हैं या नहीं। अगर आज रात तक मनाली पहुंच गए तो पहाड़ों में मेरा ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैंने एक दिन में 500 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला ली। बट नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बॉडी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखते हैं, ज़्यादा स्पीड भी नहीं करनी है, एवरेज स्पीड में चलना है अपने को। अब देखते हैं कितना समय लगता है मनाली तक, आज पहुँचते हैं कि कल पहुँचते हैं मनाली। तो भाई हम पहुँच गए हैं ठीक से, और अब यहाँ से ठीक से, ये मोनेस्ट्री है शायद ठीक से में भी एक, और हम लोग पक गए थे मोनेस्ट्री जाके तो इसलिए हम कहीं और नहीं गए एडिशनल मोनेस्ट्रीज में। अब बस आगे यही रोड पे हमें इंडस रिवर लग जाएगी, चलते जा रहे हैं फटाफट। और 455 किलोमीटर अभी भी है मनाली, 455 किलोमीटर लंबा रास्ता है काफ़ी। सामने देखो बर्फ़ वाले पहाड़ हो रहे हैं धीरे धीरे। अब टॉप पे तो, जो पहाड़ों के टॉप पे तो बर्फ़ गिरने लग गई है, और 5-10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मुझे लगता है नीचे भी थोड़ी बहुत बर्फ़ गिर ही जाएगी। बाकी इस रोड पे मिलिट्री के ट्रक भी काफ़ी दिखते हैं। ये तिक्से मोनेस्ट्री के कारण ही इतने झंडे लगे हुए हैं, इतने सारे स्तूपा बने हुए हैं। एंड यहाँ से शायद एंट्री है तिक्से की। अब निकलते हैं आगे, पहुँचते हैं खरू। अब खरू पहुँच करके आप लोगों से वापस कनेक्ट करता हूँ। इस रोड पे ये आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद मनाली तक पेट्रोल पंप नहीं है, केलोंग तक नहीं है सॉरी। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो यहाँ पे अपना टैंक फुल करा लो और थोड़ा पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी करो। मैंने तो रात को ही टैंक फुल करा लिया और जेरिकेन भी। और ये देखो हमारे बाजू में इंडस रिवर बह रही है, बहुत ही शानदार, रोड के बाजू में चल रही है इंडस रिवर। और सुबह 4 बजे उठ गया था मैं, जलपा जाने वाली थी 5 बजे, निकलना था उसको 6 बजे की उसकी फ्लाइट थी, तो मैं 4 बजे उठ गया था। और तब से अभी तक निकलते निकलते मुझे 8:20-8:30 हो गया, तो ये 4.5 घंटे में राइड तो कुछ नहीं हुई, पैकिंग इधर से उधर, नहाना, साफ सफाई करना है सामान की, इसमें टाइम ज़्यादा चला गया। तो हल्की हल्की सी आंखें भारी हो रही थी, इसलिए रुक कर के बाजू में थोड़ा मिंट की चीज़ें खाई। अब फटाफट पहुँचते हैं खरू, यहाँ से अभी 1 या 2 किलोमीटर बचा है, वहाँ से फिर उपशी, उसके बाद देखते हैं मनाली के लिए अलग रास्ता है। पैंगोंग जाने के लिए भी यही रास्ता लेना पड़ता है, एटलीस्ट इन खेरू तो सेम रास्ता है, चाहे आप पैंगोंग जाओ चाहे आप मनाली जाओ। और देखो मिलिट्री के ट्रक्स कितने आ रहे हैं इस रोड पे, ये रोड पे बहुत ज़्यादा है मिलिट्री के ट्रक। NH3 बीच में एक मिलिट्री के ट्रक का टायर भी पंचर हुआ था, 2 जने मिल के ठीक कर रहे थे, अभी आपने चेक किया हो तो थोड़ी देर पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आया था। चलो अब खेरू से निकल के अब सीधे अगला जो उपशी आता है या जो भी बड़ा जगह आता है वहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। खेरू तो अब ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, लगभग 1-2 किलोमीटर और बचा होगा। ये देखो लिखा है उपशी 15 किलोमीटर है, खेरू 1-2 किलोमीटर और बाकी है। तो अगला उपशी पहुँच के कनेक्ट करता हूँ आप लोगों से।
ऐसे ही 10-15 किलोमीटर के टारगेट बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के 460 किलोमीटर क्लियर होंगे भाई, उससे पहले तो नहीं तो होते नहीं। और सामने पहाड़ ही पहाड़। अब एक हफ्ते से तो इन पहाड़ों को देखने की इतनी आदत हो गई, इनमें कुछ नया नहीं दिख रहा है मुझे। डेढ़ हफ्ते से इनफैक्ट देखा जाए तो पहाड़ों में ही घूम रहा हूँ और पहाड़ ही देख रहा हूँ। और ये खेरू आ गया है देखो, अब यहाँ से क्या स्टेटस है चेक कर लेते हैं। 90 किलोमीटर पे शोक विलेज है, पैंगोंग 190 है, पांगला 74 है। बट हमें जाना है मनाली के लिए, तो हम ये वाली रोड लेंगे, पैंगोंग नहीं जाना है। पैंगोंग तो हो गया हमारा। सामने देखो डैम में से पानी छोड़ रहे हैं, इंडस रिवर, शानदार छोटे छोटे चैनल्स बना रखे हैं। खेरू जा चुका है, उपशी इस रास्ते पे आएगा नहीं आएगा मैं श्योर नहीं हूँ। हम मनाली हाईवे पे आ गए हैं, बाकी मिलिट्री के ट्रक तो आते ही रहेंगे इस रास्ते पे। और फटाफट हम लोग निकल रहे हैं, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास हमारा टारगेट अचीव हो गया है। मनाली 430 है और उपशी आएगा इस रास्ते में, उपशी 6 किलोमीटर बचा है। तो भाई लोग लद्दाख से मनाली जाते हुए आपको उपशी पे अपनी डिटेल्स देनी होती है, सारचू 202, तसोरीरी 173, पांग 127 किलोमीटर। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है मनाली, हानले नहीं जाना है भाई, हमें जाना है मनाली। यहाँ से 425 किलोमीटर है उपशी से। उपशी में आपको चेक पोस्ट मिलेगी और चेक पोस्ट पे डिटेल्स देनी पड़ेगी, और डिटेल्स देने के बाद में आप लोग आराम से जा सकते हो। और ये देखो कितनी सुंदर जगह है, ले मनाली हाईवे पे है। तो खेरू के बाद में कोई पेट्रोल पंप नहीं लगता है, हमने उपशी क्रॉस कर लिया, मेरू करके जगह है, मेरू वहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं, मनाली अभी भी दिखा रहा है 414 किलोमीटर।
414 किलोमीटर का रास्ता और है, देखते कब पहुंचते हैं हम मनाली और कैसी ऑफ रोडिंग मिलती है। अभी तक तो रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सक्लूसिव रोड्स बनी हुई है थैंक्स टू ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो भाई मिलिट्री के ट्रक धुल रहे हैं यहाँ पे, टांगलाला पहुंच रहे हैं, 27 किलोमीटर है यहाँ से, वहां से जाएंगे सांचू, टांगलाला 27 किलोमीटर और अभी समय हुआ है, लेट मी चेक, 10:51, हमने लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर कर लिया है। भैया मैं फंस जाऊंगा ना, है सब भाइयों, इधर भैया मिले हमारे को, इनकी होगी एक गाड़ी खराब, तेल तो डाला है चल नहीं रही है। मैं क्या बोलूं भैया, एक बार है ना गाड़ी हिला लो अच्छे से। तो भाइयों ये भैया कसौल में टैटू मेकर हैं, इनकी गाड़ी खराब हो गई है। क्या हुआ, अब क्या करोगे? नहीं भैया नेटवर्क नहीं है, चलो फिर मिलेंगे। तो इनको पेट्रोल की ज़रूरत थी तो मैंने अराउंड 2.5 लीटर पेट्रोल इनकी गाड़ी में डाल दिया, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। भैया कसौल से हैं, टैटू मेकर हैं, इनकी कोई शॉप है, तो अब देखेंगे ये लोग शायद कोई मैकेनिक को बुलाएंगे या कुछ अरेंजमेंट करेंगे। और हम निकल चुके हैं अब आगे के लिए भाई लोग, मनाली अभी बहुत दूर है, 274 किलोमीटर पे किलोंग है, किलोंग पहुंच गया तो उसके बाद तो मेरे को पता ही रास्ता अच्छा है। अब यहाँ रास्ता कैसा है ये मुझे पता नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अभी तक रास्ता बहुत अच्छा है। ये देखो आगे गाड़ी जा रही है, इसमें दो बाइक भी डाल रखी है इन्होंने, ये मुझे लगता है संस्कार स्पीति उधर साइड जा रही है शायद। चलो गाइस आई विल कीप यू पोस्टेड, हाल फिलहाल तो अपडेट इतना ही है कि हम लगभग 120 किलोमीटर 125 किलोमीटर चल चुके हैं इस रास्ते पे और रोड्स अच्छी हैं यहाँ तक, तो 500 किलोमीटर का रास्ता है लगभग, उसमें से ले से 120 किलोमीटर तक तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है। आगे का अपडेट मैं आपको दूंगा जैसे जैसे मेरे को रास्ते के बारे में पता चलेगा। भाइयों ये देखो कितनी ऊंचाई पे गाड़ी चला रहा हूँ, सामने बर्फ वाले पहाड़ हैं, हवा चल रही है यहाँ पे बहुत तेज और ठंडक सी हो रही है, हाथ पूरे ठंडे पड़ गए मेरे क्योंकि राइडिंग ग्लव्स पहने हुए हैं मैंने, विंटर ग्लव्स नहीं पहने हैं, थर्मल ग्लव्स नहीं पहने, नॉर्मल जो राइडिंग ग्लव्स आते हैं वो पहने हैं, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पे है। सामने देखो आप ये नज़ारे देखो, और बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ ऊंचाई पे। हम जा रहे हैं सारचू की तरफ, सारचू है करीब 150 किलोमीटर यहाँ से और मनाली है 380 किलोमीटर। हाँ हाँ बहुत हवा चल रही है,
कारचू अब दिखा रहा है 166 किलोमीटर, और जगह जगह यहाँ पे पत्थर गिरते ही रहते हैं लैंडस्लाइड होने के कारण। अब इधर जो वैली और ये जो पहाड़ चल रहे हैं बर्फ वाले, इनके कारण हवा तेज चल रही है बहुत। चलो फटाफट चारचू पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अभी भी 166 किलोमीटर बाकी है। हाल फिलहाल रोड बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, एक पैसे का प्रॉब्लम नहीं है रोड्स के अंदर। इतनी दूर पे ये लोग साइकिल पे चल रहे हैं, फॉरेनर्स हैं। यहाँ हमारी बाइक पे हालत खराब हो रही है और ये लोग साइकिल पे चल रहे हैं। मनाली है 373 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर पे है सारचू। अब पहुँचते हैं पहले सारचू, फिर देखते हैं केलोंग पे रुकना है, मनाली पहुंचना है। और सामने देखो कितना खूबसूरत लग रहे हैं लंबे लंबे पहाड़। थोड़ी बहुत बर्फ गिरनी शुरू हो गई है भाई लोगों यहाँ पे, तो उसी के कारण ठंड लग रही थी तो मैंने गाड़ी रोक के विंटर जैकेट डाला और थर्मल ग्लव्स पहने। ये देखो राइडिंग ग्लव्स उतार दिए क्योंकि गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही थी, मैंने कहा तबीयत खराब नहीं हो जाए कोई, इसलिए राइडिंग जैकेट के अंदर पहले मैंने विंटर जैकेट पहना है फिर राइडिंग जैकेट पहना है। और अब देखो हम बर्फ से भरे पहाड़ों के कितने पास से चल रहे हैं, काफ़ी पास है, और इन्हीं के कारण ज़्यादा ठंड हो रही है ऊपर। लांगला पोस्ट पे आ गए हम, 17,482 फीट पे है ये। दिस इज 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड तांगलांगला। बहुत ज्यादा ठंड है, हाथ बर्फ जैसे हो रहे हैं। 111 किलोमीटर आगे आ गए हैं, मनाली 364 किलोमीटर है अभी, 565 किलोमीटर। और फौजी लोग आए हैं, ये नज़ारा देखो यार तांगलांगला से क्या। तो भाई लोग डेबरिंग से 8 किलोमीटर पहले एक पावर नैप का ब्रेक लिया था 5 मिनट के लिए। अब टांगला उतर चुके हैं और डेवरिंग पहुंच रहे हैं हम लोग, ऑन आवर वे टू डेवरिंग। Thank you.
ये देखो भाई कितने सारे याक। एक दो मुझे देख के घबरा गए, सारे की सारे याक है फांग से पहले। इतने याक मेरे को पहली बार देखने को मिले अभी तक। ले से निकला हूँ, ले में भी देखने को नहीं मिले, पैंगोंग में देखने को नहीं मिले, नुब्रा में नहीं, लेकिन टूवर्ड्स पांग आते हुए देखो कितने सारे याक हैं। ये पीछे गए, ये थोड़े और आ गए। ये देखो लद्दाख इज इक्वल टू याक, पहाड़ी गाय। भाइयों अपनी गाड़ी चल रही है 80-100 बिटवीन पांग एंड दुर्बुक था शायद, दिबांग था। यहाँ पे रोड एकदम स्ट्रेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज हवा है। लगता है 3D पहाड़ है, 3D। और इतना साफ आसमान हो। तो पांग है अब 13 किलोमीटर और सारचू बचेगा, सारचू है कुछ 92 किलोमीटर। अब पांग के बाद देखते कितना किलोमीटर बचता है सारचू। हम पहुंच गए पांग। अब पांग से हमें जाना है टूवर्ड जिस्पा। पहले आएगा सारचू, सारचू के बाद जिस्पा, जिस्पा के बाद किलोंग। तो लगभग 1/3 रास्ता तो तय कर लिया है। 500 किलोमीटर में से अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास रास्ता तय कर लिया है। अब निकल रहे हैं हम सारचू की तरफ धीमे धीमे। अब रास्ता थोड़ा ऊपर नीचे है। तो पांग तक तो रोड मक्खन की तरह चल रही थी, अब मैं आगे का रास्ता देखूंगा तो आप लोगों को बता पाऊंगा कैसा है क्या है। चलो भाई